अच्छा दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप रोजमर्रा की जिंदगी से तंग आकर कुछ पल के लिए छुट्टियां मनाने निकले हैं। ऐसे में आप अपने प्लेन में भी बैठ गए और प्लेन सही सलामत टेक ऑफ भी कर चुका है, लेकिन जब आप लैंड करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप समय से 37 साल आगे चले गए हैं। हमें पता है कि ये सभी बातें आपको नामुमकिन से लग रही होंगी, लेकिन हम आपको बता दें कि ये घटना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। जहां एक प्लेन पूरे 37 साल बाद लैंड करता है, तो दोस्तों बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की मिस्टीरियस वीडियो, जिसमें आप वाकई खो जाएंगे। हमें पता है दोस्तों, वीडियो का इंट्रोडक्शन सुनकर ही आपकी हालत खराब हो गई होगी। ऐसे में हम आपको बता दें कि ये घटना 2 जुलाई 1955 की है। दिन काफी सुहाना था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी पैन अमेरिका फ्लाइट 914 अपने निर्धारित समय पर न्यूयॉर्क से मियामी फ्लोरिडा के लिए टेक ऑफ करती है, जिसमें बैठे 57 पैसेंजर्स यात्रा का लुफ्त उठा रहे होते हैं और अपने डेस्टिनेशन प्लेस पर जाने के सपने सजा रहे होते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अभी उनके साथ जो होने वाला है वो इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। दोस्तों टेक ऑफ के 3 घंटों तक बिल्कुल प्लेन सही दिशा में जा रहा था और सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी 3 घंटे बाद जो हुआ उसने सभी के दिलों को दहला दिया, क्योंकि प्लेन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता उससे पहले ये प्लेन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जहां इस तरह से गायब हुआ कि मियामी के कंट्रोल टावर पर लगे रडार भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने न्यूयॉर्क टावर पर संपर्क किया, तो वहां से उन्हें जो जवाब मिला उससे वो लोग पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि सामने से यही बोला जा रहा था कि पैन अमेरिका फ्लाइट 914 पूरी तरह से गायब हो गई है, जो कि रडार में दिख ही नहीं रही है। वहीं पायलट से भी लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसमें भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल असफल रहा। ऐसे में किसी को कोई पता ही नहीं चल पा रहा था कि प्लेन कहां गया। अब जाहिर सी बात है, इतने सारे पैसेंजर्स को लेकर निकला ये प्लेन गायब हो गया है, तो लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय था और इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन टीम इस प्लेन को ढूंढने निकली। जहां सभी लोग यही सोच रहे थे कि ये प्लेन बीच में गायब हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये न्यूयॉर्क से मियामी के बीच में कहीं क्रैश हुआ होगा, और इसी वजह से रेस्क्यू टीम के साथ साथ कोस्ट गार्ड पानी में प्लेन को ढूंढने निकले, लेकिन प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। उसमें बैठे इंसान तो छोड़िए, प्लेन का इतना बड़ा मलबा तक किसी को भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला, और इस बात से सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। अब जाहिर सी बात है कि इतना कुछ होने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने सिर्फ अपने कंधे उचका दिए थे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि 61 लोग, जिनमें 57 पैसेंजर्स और बाकी के क्रू मेंबर्स, आखिर गए तो गए कहां। हालांकि ये केस कभी सॉल्व ही नहीं हुआ था, लेकिन एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लोगों के सामने आ गई कि प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें सभी लोगों की जान चली गई। हालांकि कोई भी ये कहने को तैयार नहीं था कि ये प्लेन कहां और कैसे क्रैश हुआ, बस सभी ने अपने हाथ ऊपर कर लिए थे और तभी से इस प्लेन को लेकर तरह तरह की बातें शुरू हो गई। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ, तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहे। अब दोस्तों, इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस घटना के ठीक 37 सालों बाद, यानी कि 9 सितंबर 1992 को काराकास वेनेजुएला के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जुएन डी ला कोर्टे अपने ऑफिस पहुंचे, जहां उन्हें सब कुछ सही लग रहा था। उन्होंने कॉफी मेकर से कॉफी बनाई और अपने डेस्क पर बैठ गए और अपना बाकी का काम कर रहे थे। लेकिन तभी एक अजीब सी घटना हुई, जहां पता नहीं कहां से एक डॉट उनके रडार पर दिखाई देने लगा, जिसे देखकर वो हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये प्लेन आया तो आया कहां से। हालांकि पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि ये उनकी आंखों का धोखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, जिस वजह से उन्होंने अपने साथ के सभी वर्कर्स को बुला लिया और सभी ये सोचने लगे कि आखिर ये क्या है। ऐसे में दोस्तों, मात्र 10 मिनट के अंदर प्लेन एयरपोर्ट के बहुत ही नजदीक आ रहा था, और फिर मिस्टर कोर्टे ने जब प्लेन को देखा तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गए। ये प्लेन कोई मॉडर्न प्लेन नहीं था, बल्कि DC-4 मैकडोनल डगलस था। हालांकि 1992 में इस तरह के प्लेन चलते थे, लेकिन उनमें कई तरह के बदलाव किए गए थे, जिन्हें देखकर ही बताया जा सकता था कि उस समय का प्लेन है कि नहीं। पर दोस्तों, पहेलियों की तो बस अभी शुरुआत हुई थी, क्योंकि कंफ्यूजन तो तब शुरू हुई जब इस मिस्टीरियस प्लेन के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कॉन्टेक्ट किया और इंग्लिश में पूछने लगे कि हम कहाँ हैं। उतने में मिस्टर कोर्टे ने जवाब देते हुए कहा कि आप काराकास एयरपोर्ट के पास हैं, और उसके साथ में ये भी पूछा कि आपकी फ्लाइट किस जगह से आ रही है। हालांकि कुछ देर तो पायलट ने कुछ भी नहीं बोला,
लेकिन थोड़ी देर बाद पायलट ने यह जवाब दिया कि वो पैन अमेरिका फ्लाइट 914 में है, जहां ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से मायामी जा रही है और इस फ्लाइट में 4 क्रू मेंबर्स और 57 पैसेंजर्स बैठे हैं। ऐसा सुनने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई कि ये फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन प्लेस से इतनी दूर क्या कर रही है। और इसी कंफ्यूजन में मिस्टर कोर्टे ने पायलट से कहा कि आप हमें और इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में दोस्तों, इस चीज के जवाब में जो पायलट ने कहा उसे सुनकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में पूरी तरह से सन्नाटा हो गया था, क्योंकि दोस्तों सवाल के रिप्लाई में पायलट ने बताया कि उन्हें 2 जुलाई 1955 को सुबह 9:55 पर मियामी एयरपोर्ट पर उतरना था। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, कोई पायलट 47 साल पुरानी बात कर रहा हो तो किसी को भी हैरानी होगी। ठीक ऐसा ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में भी सबका हाल था, और इसकी वजह से एक भी शब्द बोले बिना ये सोचा गया कि पहले इस फ्लाइट को लैंड करने देते हैं, फिर बाद में सवाल जवाब करेंगे, ताकि प्लेन हड़बड़ी में ना चलाया जाए। इसी वजह से प्लेन के लैंड करने का रास्ता साफ कर दिया गया, और जैसे ही प्लेन लैंड कर रहा था तभी ग्राउंड यूनिट को तुरंत उस जगह पर भेज दिया गया ताकि वो पैसेंजर्स को असिस्ट कर सके। दोस्तों प्लेन की लैंडिंग के तुरंत बाद मिस्टर कोर्टे ने पायलट से पूछा कि क्या तुम्हें पता है आज 21 मई 1992 है। और जैसे ये सवाल पायलट से पूछा गया, सामने पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में सभी समझ गए थे कि ये पूछकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब वो बस ये उम्मीद कर रहे थे कि कैसे भी करके सभी लोग प्लेन से उतर जाएं। और तभी अचानक से पायलट ने बोला कि तुम ये क्या कह रहे हो। ऐसा सुनते ही मिस्टर कोर्टे ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वो प्लेन के पास पहुंचे और सभी को सही सलामत नीचे उतार दें। लेकिन उतनी देर में पायलट ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, पायलट ने तुरंत जवाब देते हुए बोला कि कोई भी उनके नजदीक नहीं आएगा, अब वो यहां से जाना चाहते हैं। और तुरंत उस प्लेन का इंजन ऑन हो गया, उसके बाद वो विमान काराकास एयरपोर्ट से रफू चक्कर हो गया। हालांकि पायलट को रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसने किसी की भी एक ना सुनी और प्लेन वहां से टेक ऑफ करता हुआ निकल गया। वैसे तो कुछ देर तक प्लेन आसमान में दिखाई दिया, लेकिन बाद में ये रडार पर एक डॉट की तरह दिखाई देने लगा, जिसके बाद ये पूरी तरह से वापस गायब हो गया। दोस्तों कोई भी इस बात को डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठे जितने भी लोग थे उन्हें कितना बड़ा झटका लगा होगा, जहां उन्होंने सिर्फ एक ऐसा पुराना प्लेन देखा जो पता नहीं कहां से आया और उसमें बैठा पायलट ही क्या कह रहा था कि उसने आज से 37 साल पहले उड़ान भरी थी, जहां वो अभी तक कहीं भी नहीं पहुंचा। ये बात अपने आप में किसी को भी हैरान कर सकती है। हालांकि इस घटना के बाद किसी को भी प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला, यहां तक कि अभी तक कोई भी ये नहीं बता सकता कि उस प्लेन के साथ क्या हुआ था। अब हमें पता है कि आपको ये चीज बड़ी अजीब लग रही होगी। खैर अजीब तो हमें भी लग रही है, क्योंकि वीकली वर्ल्ड न्यूज नाम के न्यूज़पेपर में 1985 को ये स्टोरी कवर की गई थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हमने 1985 ही बोला है, क्योंकि ये स्टोरी उस घटना के ठीक 7 साल पहले कवर की गई थी। और इसी न्यूज़पेपर ने 2 और बार इस स्टोरी को अलग डिटेल्स के साथ छापा, जिसमें कई बार ये कहा गया कि एक प्लेन टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में पहुंच जाएगा। अब आप दूसरी मिस्ट्री भी सुनिए, क्योंकि हम इतनी देर से जिस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात कर रहे हैं, यानी कि जुआन डी ला कोर्टे, उनकी तस्वीर भी 1985 वाली तस्वीर से काफी अलग है। ऐसे में कई लोगों का ये कहना था कि ये कहानी पूरी तरह से नकली है, जहां कुछ लोगों ने मिलकर इसे इस तरह से तैयार किया है ताकि वो जनता के सामने एक नई मिस्ट्री खड़ी कर सके। क्योंकि लोगों के सामने इस प्लेन के बारे में ये कहा गया था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जो भी बात पायलट से की गई थी उसकी रिकॉर्डिंग गवर्नमेंट को दी है, लेकिन ऐसा कहीं होता ही नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 की, तो आप जाकर गूगल कर लीजिएगा, इस नाम की कोई भी फ्लाइट ऑफिशियली आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि हर फ्लाइट को रजिस्टर किया जाता है और इस जहाज का नामो निशान नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरी कहानी को गढ़ा गया है ताकि ये किस्सा जिंदगी भर के लिए रहस्य बनकर रह जाए। बाकी दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताना मत भूलना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।